أشهد أن محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم عزیز بھائی و بزرگو دوستو اللہ جل شانہ کا احسان फ़ज़ल व करम इस उम्मत पर बारिश की तरफ है। असबग़ अलैकुम नियामती, बारिश के क़तरे को जैसे गिन नहीं सकते इसी तरह अल्लाह जल्ल शानून की नियामतों को गिन नहीं सकते। व इन तअद्दू नियामत अल्लाह ला तुहसुहा, अल्लाह की नियामत आप गिनना चाहो तो उसको गिन नहीं सकते। उसमें सबसे बड़ी नियामत अल्लाह ने कुरान शरीफ के अंदर फरमाया, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियामती। आज के दिन यानी अरफा के दिन उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हज्जतुल विदा पर जुमे के दिन यह आयत उतरी, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने दीनुल इस्लाम तुम पर कामिल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नियामती, मैंने अपनी नियामतों को तुम पर कामिल और मुकम्मल इतमाम कर दिया। व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, दीन इस्लाम को मैंने पसंद फरमाया। तो अल्लाह जितने भी दूसरे नियामतों को गिनवाया इसमें सबसे बड़ी नियामत दीनुल इस्लाम है। इसीलिए तो एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक यहूदी आया और कहा कि कुरान में एक आयत ऐसी है कि अगर यह आयत बनी इसराइल को मिलती तो हम उस दिन को ईद मना लेते। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि कौन सी आयत ऐसी है, तो उसने कहा कि अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियामती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। क्योंकि पिछले जितने भी दीन अदियान आए उनमें तमाम के तमाम मुकम्मल दीन दीनुल इस्लाम है, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को दिया हुआ दीन है। इसके जवाब में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हाँ, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यह आयत कब नाजिल हुई, किस जगह नाजिल हुई, यानी अरफात के दिन और जुमे के दिन नाजिल हुई। तो वो दिन भी हमारे लिए ईद के दिन के जैसा एहतराम और अहमियत रखती है। तो इसके फजीलत के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई अहादीस किताबों में मौजूद है। सिर्फ अरफा के दिन के नहीं बल्कि ज़िलहिज्जा के अव्वल 10 दिन और उसके बाद के 3 दिन यानी 13 दिन के फजीलत मुख्तलिफ जगह हदीसों में भी अल्लाह जल्ल शानहु कुरान में भी इरशाद फरमाया। अल्लाह जल्ल शानहु जब इस दिनों के फजीलत के बारे में अहमियत को बताने के लिए कसम काकर फरमाते हैं, वल फजर वल लयालिन अश्र वल शफ़ वल वतर वल लैल इज़ा यसर, जबकि लैलतुल क़द्र के बारे में इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैर मिन अल्फ शहर, अल्लाह जल्ला शानहु लैलतुल क़द्र की फजीलत बताए, मगर इस 10 दिनों के फजीलत को बताने के लिए, अहमियत को बताने के लिए अल्लाह जल्ला शानहु ने कसम काकर फरमाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस शरीफ में फरमाया, अफजल अय्याम दुनिया अय्याम उल आशर,
यानी साल के जितने भी दिन हैं उनमें सबसे ज़्यादा फजीलत रखने वाले दिन ये ज़िलहिज्जा की अव्वल 10 दिन है। और एक रिवायत में आता है कि मा मिन अय्यामिन अमलुस सालिह फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हादिहिल अय्यामिल अशर। अल्लाह के यहाँ दूसरे दिनों में करने वाले अमल से सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल इसी दिनों का अमल है। तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि वलल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, क्या या रसूलल्लाह अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से भी ज़्यादा इस दिन में अमल करना अल्लाह के यहाँ ज़्यादा महबूब है? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से ज़्यादा इस 10 दिनों में अमल करना ज़्यादा अल्लाह के यहाँ महबूब है। मगर इल्ला रजुलन खरज बिनफ्सिही व मालिही, और एक शख्स के सिवा जो अपने जान और माल को लेकर अल्लाह के रास्ते में निकले, वलम यरजिअ मिन ज़ालिक बिशैइन, तमाम के तमाम उसने अल्लाह के रास्ते में जान को भी माल को भी कुर्बान कर दिया, यानी शहीद हो गया और वापस किसी चीज़ को भी लेकर नहीं लौटा। इस आदमी के अमल से, इस आदमी के अमल के अलावा बकिया तमाम अमालों में ये 10 दिन का अमल जो है अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा अहमियत, अजीम शान और अल्लाह के यहाँ बहुत महबूब है। अहमियत भी है और अल्लाह के यहाँ महबूब भी है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़अक्थिरू फ़ीहिन्न मिन अत्तहलीली वत्तहमीदी वत्तकबीरी। तो इसलिए इस 10 दिनों में तुम अल्लाह की ज़्यादा तहलील यानी कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत व तहमीद अल्लाह के हम्द व सना अल्हम्दुलिल्लाह व तकबीर यानी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर इस तकबीर की अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुभानल्लाहि व बिहम्दिही बुकरतन व असीला ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और इस तरीके से कई तस्बीह तहमीद हदीसों की किताबों में मौजूद है। इस 10 दिन में अल्लाह की तस्बीह और तहमीद ज़्यादातर करनी चाहिए और नफिल इबादत भी करनी चाहिए। तो इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैहि जो बुखारी के शरह लिखने वाले हैं, उन्होंने फरमाया कि क्यों इस 10 दिन तमाम दिनों से ज़्यादा अल्लाह के यहाँ अहमियत और अफजल है। यही है, यही वजह है कि इस 10 दिनों में तमाम के तमाम इस्लाम की बुनियादी इबादत जमा हो जाते हैं। इज्तिमा उम्महातिल इबादत, इबादत के तमाम अहम जो तौहीद है, हर मुसलमान हर वक्त ईमान उसकी ज़रूरत है, और उसके अलावा नमाज, पांचों वक्तों की नमाज जमात के साथ पाबंदी, और सदका कुर्बानी, और अरफा के रोज़े जो हाजी हैं उनके अलावा जो हज में हैं उनके लिए अरफा के रोज़ा नहीं, बल्कि जो हज नहीं कर सकते गैर हाजी के लिए अरफा की रोज़ा, सिर्फ अरफा की रोज़ा नहीं बल्कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीक़ा यही था कि ज़िलहज्जे के 9 रोज़े शुरू के दिन से अरफा के साथ, अरफा के दिन के रोज़े के साथ 9 रोज़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रखने की आदत थी। और इसमें रोज़े भी आ जाते हैं और उसके अलावा हज भी आ जाते हैं। इस्लाम की पांच बुनियादी इबादतें इस महीने में अल्लाह जल्ला शानों के फजल व करम से इसमें मुकम्मल होते हैं। दूसरे महीनों में नमाज और
किसी महीने में नमाज के साथ साथ रोज़ा और ज़कात, मगर यही एक महीना है जिसमें तौहीद ईमान के साथ नमाज और रोज़ा और सदका और हज तमाम के तमाम आमाल, इसमें पांचों बुनियादी आमाल इसमें आ जाते हैं। हज़रत इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा गया कि लैलतुल क़द्र के रात या इन ज़िलहिज्जा के अव्वल 10 दिन में से या अरफा के दिन में से कौन सी अफजल है, तो हज़रत इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि रातों के एतबार से लैलतुल क़द्र वाली रात मुबारक है और दिन के एतबार से ये ज़िलहिज्जा के अशरे ज़िलहिज्जा के 10 दिन मुबारक और बाबरकत वाले दिन हैं। तो इसीलिए अल्लाह जल्ला शानू ने इन तमाम दिनों के नाम लेकर कसम खाई, वल फजर वल लयाल इन अशरिन वशफ़ वल वतर वल लैल इदा यसर। और उसके अलावा अल्लाह जल्ला शानू का हुक्म भी है ويذكر اسم الله في ايام معلومات ويذكر اسم الله في ايام معلومات ايام معلومات میں اللہ کے نام لے کر زیادہ ذکر کرو۔ ایام معلومات سے مراد ہے کہ ایام التشریق یعنی عید کے بعد کے دن، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ اور 13ویں ذی الحجہ، جہاں پر حاجی لوگ शैतान के कंकरें मारते हैं। इस दिन में ज़्यादातर ज़्यादा अल्लाह के ज़िक्र तस्बीह तहमीद करनी चाहिए। उसके अलावा ईद के दिन में भी और ख़ुसूसन इन ज़िलहिज्जा के शुरू से लेकर पहले दिन से लेकर ये 13 दिन भी अल्लाह के ज़िक्र तहमीद तस्बीह इबादत में नफिल इबादत में हम गुजारनी चाहिए, क्योंकि एक एक नफिल इबादत के लिए एक सजदे के लिए अल्लाह जल्ला शानहू एक गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और उसके अलावा एक दर्जा अल्लाह के यहाँ करीब और अल्लाह के यहाँ एक दर्जा ऊंचाई पर अल्लाह जल्ला शानहू रफ़ दर्जात फरमाते हैं। तो इसीलिए बकिया अय्याम से ज़्यादा इस अय्याम में नफिल इबादत में, जैसे हम रमज़ान में अहतमाम करते हैं लैलतुल क़द्र की रात में, रात जागकर इबादत में जैसे गुजारते हैं, इसी तरह इस 10 दिनों की भी अहमियत सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के पास थी। इसीलिए सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम इस 10 दिनों में जहरी ज़िक्र करते थे, यानी बुलंद आवाज़ से बाज़ारों में जाकर जहाँ जहाँ पर भी गुज़रते लोगों को याद दिलाते तस्बीह की, तहमीद की, तहलील की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर के ज़िक्र से बाज़ारों में चलते थे, लोगों को याद दिलाते थे। यहाँ तक कि मीना में भी और अरफा और उसके बाद अय्यामुत तशरीक, तमाम के तमाम इन 13 दिनों में सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का ये मामूल था कि तस्बीह और तहमीद और तहलील पढ़ते थे। तो इसीलिए हमें भी ज़रूरत है कि जो अमल सहाबा रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में ज़िंदा था, वो अमल हम इस ज़माने में हम भी दोबारा इस अमल को ज़िंदा करें, ताकि जो मुसीबत इस ज़माने में आई है, जो बला जो बीमारी इस ज़माने में आई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तस्बीह और तहमीद और तहलील के बरकत से इस बला मुसीबत को अल्लाह जल्ला शानहु दुनिया से दूर करें। तो इस 10 दिनों के फजीलत में हदीस शरीफ में आता है कि उम्मुहातुल मुमिनीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजवाज मुतहरात फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि इन दिनों में ज़िलहिज्जा के 9 दिन रोज़े रखते थे, आदत थी। और उसके अलावा महीने के 3 दिन उसमें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते थे।
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी फजर की सुन्नत नागाह नहीं करते थे, और इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा का भी नौ रोज़े रखते थे। यानी चार अमल ऐसे हैं कि कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नागाह नहीं हुई, उसमें से एक ये नौ ज़िलहिज्जा की रोज़े यानी अरफात का रोज़ा। अरफात का रोज़ा का इतना फजीलत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके जो शख्स अरफा के रोज़े रखता है उसके अगले साल और गुज़िश्ता साल का गुनाह माफ़ हो जाता है, और यहाँ तक के अरफे के दिन की हाज़िरी 10 लाख दिन की हाज़िरी के यहाँ अल्लाह के यहाँ एतबार और क़दर रखती है। अरफा के दिन की एक दिन की इबादत हज़ारों दिनों की इबादत से अल्लाह के यहाँ मकबूल और पसंदीदा है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके हम पूरे तौर पर एक ज़िलहज्जे से लेकर 9 ज़िलहज्जा तक हम रोज़ा रखें। अगर नहीं रख सकते तो कम से कम अरफा के दिन का तो रोज़ा ज़रूर रखें, ताकि अल्लाह जल्ल शानु हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए, और उसके अलावा ज़्यादातर ज़्यादा अल्लाह के तस्बीह में और तहलील में ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमा पढ़ने में और तकबीर में अल्लाहु अकबर कहने में हम अपने वक्त को मशगूल रखें, और कबीरा गुनाहों से बचें और फजूल ला यानी बातों से बचें। इस 10 दिनों को जैसे हम रमज़ान के 10 दिन लैलतुल क़द्र की जितनी कदर करते हैं, इसी तरह इस 10 दिनों की भी कदर करनी चाहिए, जिसके ज़रिए अल्लाह के यहाँ हम करीब हो सकें। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने खलील बनाया, और इसी तरह उनके औलादों में जितने बरकत और रहमतें अल्लाह जल्ला शानो अता फरमाई, इसी तरह ये 10 दिन और इसके मुतालिक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान से मुतालिक है, जिसमें क़ुरबानी भी आता है, क़ुरबानी का अमल भी आता है और हज के अमल, तमाम के अमाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान की सुन्नत है। यानी सफ़ा मरवा में भागना, दौड़ लगाना, यह हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का जो अमल अल्लाह के यहाँ महबूब और पसंद आया, अल्लाह जल्ला शानु क़्यामत तक आने वाले हाजी को उस अमल के लिए उस हज के दिन में उस अमल को ज़रूरी करार दिया। इसी तरह अरफा के दिन और तमाम के तमाम जितने भी अमाल हैं, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम शैतान पर कंकर और शैतान के ऊपर कंकर बरसाए, इसी तरह हाजी को हज के बाद दूसरी दिन तीसरी दिन और अय्यामुल तशरीक के दिन हैं जो है 11वीं 12वीं 13वीं दिन तक का वो अमल भी अल्लाह जल्ला शानहु इस उम्मत को फ़र्ज़ फरमाया, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी और उनके ख़ानदान की क़ुरबानी इस उम्मत में भी वो जज्बा पैदा हो, और ये उम्मत भी अपने नफ्स और ख्वाहिशात की क़ुरबानी देने के लिए तैयार हो, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख़ानदान से खुसूसी ताल्लुक़ है, क्योंकि हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही हमें इस्लाम और मुसलमानों का लक़ब दिया। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, हम जो मज़हब जो दीन इस्लाम हम इत्तिबा करते हैं, हम फॉलो करते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दीन है। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दीन है। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही हमें इस्लाम और मुसलमान का लक़ब अता फ़रमाया। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस दिन में अरफा के दिन में हम जितना हो सके रोज़े के साथ साथ इबादत में गुजारें, और उसके अलावा शुरू से लेकर ज़िलहिज्जा के तमाम दिनों में, शुरू के अव्वल दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में, नफली इबादत में, सदका में और रोज़े में हम गुजारें, ताकि अल्लाह जल्ला शानहु हमें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी से नवाजे, और जितने भी परेशान हाल हैं लोग, मुसीबतों में मुबतला हैं, मरज़ में मुबतला हैं, खुसूसन
इस ज़माने में जो मर्ज़ फैली हुई है, इस मर्ज़ से अल्लाह जल्ला शानहु तमाम आलम इंसान को महफूज रखे, और ख़ुसूसी तौर पर जितने भी मुसलमान इसमें शहीद हुए अल्लाह जल्ला शानहु उनके दर्जे को बुलंद अता फरमाए, और आने वाली नस्ल को इस मुसीबत से, इस मर्ज़ से बचाए, और इस दुनिया से इस मर्ज़ को दूर करके पहले जिस तरीके से मस्जिदें आबाद होती थी और मदरसे में आकर बच्चे किस तरीके से मस्जिद में पढ़ते थे, मस्जिद आमाल से रोशन, और मस्जिद आमाल से जितनी इबादत में और तालीम में, पढ़ने पढ़ाने में मस्जिद में जो अमल होता था उससे कई गुना ज़्यादा आइंदा ज़माने में इंशाअल्लाह अमल करने की अल्लाह जल्ला शानहु तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।